नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास टेंथ का साइंस, जिसमें हमारा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान पढ़ेंगे। इसमें हम पादपों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लेसन आपने शायद पढ़ लिया होगा, पादपों में पोषण, ठीक है। यानी पादपों में पोषण मतलब इस पाठ का नाम है जैव प्रक्रम, ठीक है, लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के बारे में ये जो लेसन है 6, उसमें से हम एमसीक्यू की बात करेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यू के क्वेश्चन ही है, बस मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, मुझे जल्दी जल्दी वीडियो बनाना था। तो बिना ऑप्शन के ही मैं आपको सारे प्रश्नों के जवाब दे दूँगा, तो आप देखिए, बहुत फ़ायदेमंद होगा वीडियो। पहला है कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो जो अमीबा होता है वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, ये प्रश्न है। तो आप जानते हैं कि जो अमीबा होता है वो अपना भोजन जो होता है पादाब से प्राप्त करता है, पादाब, ठीक है, इसे कूटपाद भी बोल देते हैं। तो अमीबा अपना भोजन जो ग्रहण करता है वो पादाब से करता है, ठीक है, अपने मतलब उसके जो अंग होते हैं सीडोपोडिया, तो अपने सीडोपोडिया से, यानी जो ये जो बाहर का है ना ये अंग जो पैरों जैसा होता है पादाब, इससे वो अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। अमीबा एक कोशिक जीव है, ये भी आपको याद होना चाहिए, यानी ये प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। अगला है वसा का पाचन करता है। तो आपको बताना है वसा का पाचन कौन करता है। तो वसा का पाचन लाइपेज करता है, लाइपेज नाम का एक एंजाइम होता है, तो ये जो होता है ये वसा का पाचन करता है। ऐसी एक होता है प्रोटीन का पाचन करने के लिए एमाइलेज, और वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज होता है, ठीक है। तो लाइपेज एक एंजाइम होता है, एंजाइम मतलब होते हैं जैव उत्प्रेरक, ठीक है। सभी हरे पौधे होते हैं, तो सभी हरे पौधे होते हैं स्वयंपोषी, ठीक है। तो सभी जो हरे पौधे होते हैं वो स्वयंपोषी यानी ऑटोट्रोफ होते हैं। स्वयंपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं। अगला है रक्त, रक्त यानी जो हमारा खून होता है वो रंग उसका लाल होता है। तो ऑप्शन में आएगा क्यों लाल होता है, तो आप पढ़ोगे तो आएगा उसमें हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त होता है खून उसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ बांध के शरीर के सभी भागों तक पहुंचा देता है, और खून का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन बनाने में हमारे शरीर में वो होता है आयरन, आयरन जो होता है हमारे शरीर में लाल रंग बनाता है, ठीक है। अगला है अवशोषी अंग हमारे शरीर में कौन सा है। हमारे शरीर में एक अवशोषी अंग है, तो आपने पढ़ा हो पाचन तंत्र में, तो उसके अंदर था अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है वो हमारे शरीर का एक अवशोषी अंग है, ठीक है। अगला है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है कौन। तो स्टोमेटा माने रंध्र होता है, रंध्र को खोलने और बंद करने और उसको नियंत्रित करने का काम द्वार कोशिकाएँ करती हैं, ठीक है, द्वार कोशिकाएं गार्ड सेल। तो आपने देखा होगा रंध्र का चित्र होता है कुछ ऐसे, और बगल में जो इस सेम के बीच के जैसे आकार हैं यही द्वार कोशिकाएं यानी गार्ड सेल होते हैं। कौन वसा को वसा अम्ल तथा गिल्स रोल में बदल देता है। तो वसा को पाचन करके वसा अम्ल या गिल्स रोल बदलने काम लाइपेज नाम का एंजाइम करता है, जो अभी बताया था। अगला है स्वयंपोषी के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वयंपोषी के लिए तीन चीज़ों का होना आवश्यक है। पहला होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है, और क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, ठीक है। क्लोरोफिल को हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। हरित लवक या क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्लस पेड़ पौधे हरे होते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 कक्ष, ठीक है। ये प्रश्न था कि मानव हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। तो आप मानव जो हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं, 4 सेल होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, ठीक है। कौन मलेरिया परजीवी होता है। मलेरिया परजीवी वाहक का क्या नाम है, तो वह है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है।
अगला है, कवक में पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? जो कवक होते हैं उसमें पोषण की मृत जीवी विधि होती है, ठीक है। जो कवक होते हैं वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, तो ये पोषण की मृत जीवी विधि अपनाते हैं, ठीक है। सामान्य अनुशीतिलन दाब, रक्त का दाब कितना होता है? तो सामान्य अनुशीतिलन दाब 80 mm पर Hg होता है। Hg माने पारा मरकरी, ठीक है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? यानी शरीर खून के अंदर जो कौन सा अवयव है जो खून को रोकने का काम करता है, तो वो आपने पढ़ा होगा प्लेटलेट्स होते हैं। अगला है, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस जो होता है कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्ताशय से स्रावित होता है, ठीक है। लेकिन इसको बनाता कौन है? यकृत यानी लीवर बनाता है, और ये पित्ताशय यानी गैल ब्लेडर में जमा होता है। पित्तरस को बाइल जूस कहते हैं, ये पीले रंग का होता है। जो पित्तरस होता है ये भोजन को क्षारीय बनाता है छोटी आंत में, जिससे भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। अगला है, ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है। आपने पढ़ा होगा जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसका विखंडन पाइरूवेट में हो जाता है, यानी 6 कार्बन से 3 कार्बन वाले अणु में टूट जाता है ग्लूकोज। तो यह प्रक्रम संपन्न होता है किसमें? तो यह प्रक्रम माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी को ऐसे भी पूछ सकता है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया किस में होती है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। अगला है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन और वसा का पाचन, तीनों का पाचन का पूर्ण स्थल कहाँ कौन सा होता है? तो वो होता है क्षुद्रांत, जिसको हम छोटी आंत भी बोलते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका पाचन ग्लूकोज में हो जाता है, प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल में हो जाता है, वसा का पाचन ग्लिसरॉल या वसा अम्ल में हो जाता है एंजाइमों की मदद से। अगला है, अल्कोहल में उबला हुआ पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? तो आपको याद करना है, पत्ती का रंग नीला और काला हो जाता है। तो जो आयोडीन होता है इसकी जांच कार्बोहाइड्रेट या मंड की जांच के लिए किया जाता है। तो जब किसी कार्बोहाइड्रेट या मंड की जांच करने के लिए आयोडीन को उस पर डाला जाता है पत्ती पर, तो उसका जो रंग होता है वो नीला और काला हो जाता है, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। अगर पूछा जाए कि मनुष्य में कितनी होती है, तो 4 होती है, ठीक है। और पूछा जाए मगरमच्छ में कितनी होती है, तो ये आपको मुझे कमेंट में बताना है कि मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ठीक है। अगला है, वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जो हमारा वृक्क माने किडनी होता है, उसकी जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, इसे क्या कहते हैं? हिंदी में तो इसे हम वृक्काणु कहते हैं और इंग्लिश में इसको नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन जो होता है ये हमारे किडनी की इकाई होता है। हमारे एक किडनी में 10 लाख से ऊपर नेफ्रॉन होते हैं, वृक्काणु होते हैं। इसका चित्र आपने अपने NCERT में देखा होगा, बहुत ही कुंडलित नुमा होता है, कूप के आकार का होता है। तो जो एक कूप के आकार का अंग होता है उसे क्या बोलते हैं? बोमन संपुट, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। अगर दूध के दांत होते हैं तो 20 होते हैं, लेकिन वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं, 16 दांतों पर 16 दांत देते हैं नीचे। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्णक, चर्णक, ठीक है। शरीर में भोजन का पाचन किस की अभिक्रिया है? तो शरीर में जो भोजन का पाचन होता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपके उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। तो भोजन का जो पाचन होता है उसमें जो हमारा ग्लूकोज होता है C6H12O6, जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और हमें बहुत सारी ऊर्जा देता है, ठीक है।
तो इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन से विखंडन होता है, इसीलिए इसको उपचयन कहते हैं। उपचयन आपको याद होगा ऑक्सीडेशन होता है इसमें, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो। अगला है मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो मैग्नीशियम आपको याद करना है मैग्नीशियम कहो या आयरन कहो, या हमारे RBC यानी लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है, लाल रक्त कोशिका। कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। अगला है कौन सा उत्सर्जी अंग है, तो हमारे शरीर में जो उत्सर्जी अंग है, अवशोषी अंग तो मैंने अभी बताया था अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स आपने पाचन तंत्र में देखा होगा, अपेंडिक्स जो होता है वो बड़ी आंत के और छोटी आंत के बीच में होता है, ठीक है। तो उत्सर्जी अंग वो जो अपेंडिक्स था वो हमारे शरीर में एक अवशोषी अंग हो चुका है, क्योंकि वो सेल्युलोज का पाचन पहले कर सकता था, लेकिन अब मनुष्य लंबे समय से अब कच्चे फल सब्जियां नहीं खाता है, इसीलिए वो जो अपेंडिक्स है वो सेल्युलोज का पाचन नहीं कर सकता, वो हमारे शरीर में अवशोषी अंग है। लेकिन उत्सर्जी अंग जो होता है वो आपके शरीर में वृक्क यानी किडनी होता है, ठीक है। अगला है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो ये आपके अवायवीय श्वसन में बनता है, यीस्ट से बनता है, ठीक है। आपने यीस्ट में श्वसन पढ़ा होगा कि यीस्ट में अवायवीय श्वसन होता है, वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के वो जो ग्लूकोज होता है उसको वो पचा के इथाइल अल्कोहल बना देता है, जिससे बाद में शराब भी बनती है। अगला है एक ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो आपको याद करना है 30.5 जूल पर मोल ऊर्जा बनती है। अगला है ATP का पूरा नाम क्या है, तो ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फोरस के मिलने से बनता है। ATP हमारे शरीर में ऊर्जा की मुद्रा भी होता है, और ATP जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान बनता है, और इससे हमें ऊर्जा मिलती है, और एक ATP के टूटने से 30.5 जूल पर मोल की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। मनुष्य में सांस लेना और छोड़ना की क्रिया को क्या कहते हैं, मनुष्य में सांस लेना हो या छोड़ना, इन दोनों को हम श्वसन ही कह देते हैं, ठीक है। कई जने मानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है उसका जब विखंडन हो जाता है और हमें ऊर्जा मिलती है तो श्वसन होता है, और सांस लेना नहीं श्वसन और सांस छोड़ना उच्च श्वसन होता है, तो ये भी ठीक है। बाकी ऑप्शन में श्वसन होगा तो श्वसन लगाएंगे, रेस्पिरेशन। मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है, यानी जो गंदी चीज़ों को अपशिष्ट चीज़ों को अलग करती है, तो मानव में डायलिसिस थैली का नाम वृक्क है यानी किडनी है। अगला है मानव हृदय में औसत प्रकुंचन दाब कितना है, मानव हृदय में जो औसत प्रकुंचन दाब होता है वो 120 mmHg होता है, और वही अगर प्रकुंचन की जगह अनुशीथिलन दाब पूछा जाए तो 80 mmHg होता है, ठीक है। Hg का मतलब यहाँ पे पारा है, मरकरी है, जो थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है तापमान नापने के लिए। दही का जमना कौन सी क्रिया है, तो आप जानते हो दही का जमना एक रासायनिक अभिक्रिया है, और साथ साथ दही का जमना जो होता है, दही को जमाने के लिए जो जीवाणु जिम्मेदार होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, और दही का जमना एक किण्वन अभिक्रिया भी माना जाता है, ठीक है। ऐसी शराब का बनना या स्टार्च को सड़ा के अल्कोहल बनना, ये भी आपका किण्वन कहलाता है, ठीक है। किण्वन में क्या होता है कि जो कोई शर्करा होता है, शर्करा से हम शराब बनाते हैं तो उसे किण्वन कहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो शराब होता है वो गन्ने के रस से बनता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन था दिन में होता है, ठीक है। तो आपको याद करना है प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, रात में नहीं होता है। अगला है खुला परिवहन तंत्र या खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिवहन तंत्र किसमें होता है, तो ये कॉकरोच में होता है, आपको याद करना है। कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल के वर्णक का रंग हरा होता है, ठीक है, ग्रीन होता है। एक ऐसे एक होता है ल्यूको क्लोरोफिल होता है ना, एक ऐसे एक और होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आपका सफ़ेद रंग का होता है, ये भी आपको याद करना है। अगला प्रश्न है, अगर वीडियो बहुत बड़ी बनती है तो आप ब्रेक ले लिया करें, तो मैं आगे पढ़ाता हूँ। पादपों में जाइलम उत्तक उत्तरदायी है, बताना है आपको कि पेड़ पौधों में दो तरह के उत्तक होते हैं, एक जाइलम उत्तक एक फ्लोएम उत्तक, तो आपको बताना है जाइलम उत्तक किस काम के लिए उत्तरदायी है, तो जाइलम उत्तक जल के परिवहन या कह लो खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। खनिज को मिनरल्स कहते हैं। अगला लिखा है स्लाइड को
स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो जब स्लाइड स्लाइड में सबसे पहले कोई भी हम चीज़ देखते हैं तो उसका साइज क्या होता है, उसका याद करना है, 10x 10 गुना साइज होता है, ठीक है। अगला है, पत्तियों में गैसों का दान प्रदान कहाँ होता है, तो पत्तियों में गैसों का दान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, जिसे इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। कौन कोशिका का मुद्रा के ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, कौन कोशिका का मुद्रा की ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, तो आप जानते ही हो एटीपी को जाना जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को मुद्रा ऊर्जा के मुद्रा कहते हैं, ठीक है, करेंसी ऑफ एनर्जी। हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा, तो निलय के द्वारा, फेफड़े के द्वारा नहीं, ना अलिंद के द्वारा, निलय, हमारे हृदय में निलय होता है, वही रक्त को पंप करके शरीर के सभी भागों में भेजता है, ठीक है। निम्न में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब नापने में किया जाता है, तो आपको पता ही होगा एक खून को प्रेशर को नापने का काम स्फाइगमोमैनोमीटर, ठीक है, तो स्फाइगमोमैनोमीटर का इस्तेमाल रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को नापने में किया जाता है। अगला है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, हमें हमारे शरीर में वो कौन सा अंग है जो खून के रोकने के लिए रक्त का थक्का दबाता है, तो उसका नाम है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये खून को रोक के थक्का बनाते हैं, क्लोटिंग और ब्लडिंग का काम करते हैं। अगला है, मंड के परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों, तो मतलब आपको अगर मंड या स्टार्च की जांच करनी है तो आप ना हरी पत्ती पर आयोडीन की बूंदें डालने से पहले पत्ती को हम पानी में अल्कोहल में क्यों उबालते हैं, तो इसलिए उबालते हैं पत्ती को हम अल्कोहल में ताकि पत्ती में से जो हरा वर्णक होता है क्लोरोफिल वो उड़ जाए, तो हरा वर्णक क्लोरोफिल को यानी हरे रंग को हटाने के लिए, ठीक है, हम पानी को पहले उबालते हैं पत्ती में और साथ साथ वो पत्ती को कम लचीला या मुलायम बनाने के लिए हम उसको गर्म करके उबालते हैं, ठीक है, या फिर हम मंड की जांच ठीक ढंग से हो सके इसलिए भी हम उसको उबालते हैं, तो जो भी ऑप्शन में आएगा वो लगा देंगे। अगला है, कूटपाद किस में पाया जाता है, तो ये अमीबा में पाया जाता है, आपको याद करना है, अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है, ये भी याद करना है, अमीबा एक कोशिक जीव होता है, यूनिसेलुलर अमीबा संपूर्ण में ही एक जीव होता है और ये एक ही कोशिका से सभी कार्य कर लेता है, पोषण हो, श्वसन हो, सर्जन हो, सब। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, तो यकृत है यानी लीवर है, याद करना है। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो बताना है कि पत्ता होता है, स्टोमेटा होता है, हरित लवक, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है आपका हरित लवक यानी क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, जीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो जीवों में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो श्वसन के दौरान होता है, बिल्कुल याद करना है। ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है, तो आपको याद करना है ग्लूकोज कार्बन के 6 अणुओं से मिलकर बना होता है। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि और जनन के लिए करता है उसे क्या कहते हैं, उस विधि को पोषण कहते हैं। कोई जीव जो भोजन को ग्रहण करे या फिर कोई भी पोषक तत्व ग्रहण करे और उसका इस्तेमाल अपने शरीर के वृद्धि रखरखाव और पोषण श्वसन जनन में करे तो उसको बोलते हैं उस विधि को पोषण यानी न्यूट्रिशन। दांत के ऊपरी कठोर परत किसका बना होता है, तो आपको याद करना है हमारे दांत का जो सबसे ऊपरी परत होता है वो इनेमल का बना होता है, ठीक है, और आपको बताना है कमेंट में कि हमारे जो दांत होते हैं दांत का जो कठोर कवच इनेमल होता है किसका बना होता है, तो ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का और इसका पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगला है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं, तो उसे सीकम कहते हैं, याद करना है। रेक्टम और कोनल और अपेंडिक्स नहीं बोलते हैं, जहाँ पर छोटी और बड़ी आंत दोनों मिलते हैं तो नलीनुमा उस भाग को सीकम बोलते हैं, ठीक है, सीकम। जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, तो शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकालने को उत्सर्जन कहते हैं, जो उपापचय क्रियाओं के दौरान मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद होता है, तो कमेंट में आपको बताना है उत्सर्जन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, मेरे को लगता है एक्सर्शन कहते हैं। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल क्या है, यानी मानव में जो लाल रक्त
अंगकोणिका यानी RBCs बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? तो मानव में RBC जो होते हैं वो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में बनते हैं, हड्डियों में। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? फीमर है, जो जांग की हड्डी होती है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टीमर होता है, जो हमारे कान की हड्डी होती है। ठीक है, मुझे कान की हड्डी का नाम ढंग से याद नहीं आ रहा है, आपको कमेंट में बताना है कि कान की हड्डी का नाम स्टीपज है कि स्टीमर है। ठीक है, केंद्र विहीन रक्त पट्टिकाणुओं की मानव में जीवन अवधि कितनी होती है? तो रक्त विहीन रक्त पट्टिकाणु को हम WBC बोलते हैं, शेक रक्त कोशिका। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको केंद्र विहीन रक्त पट्टिका कहते हैं। इसके जीवन अवधि कितनी होती है? तो आपको याद करना है, इसकी जीवन अवधि होती है 1 सप्ताह के लगभग। ठीक है, अगर ऑप्शन में 1 सप्ताह हो तो 1 सप्ताह लगा देंगे, नहीं तो इसकी अवधि होती है 2 से 3 दिन। ठीक है, अगला है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? हमारे शरीर में जो यूरिया बनता है, जो कि मूत्र के दौरान बनता है, उत्सर्जन के दौरान, ये कहाँ से प्रवेश करती है? तो हमारे मूत्र में ये जो यूरिया होता है, ये यकृत से यानी लीवर से प्रवेश करती है, ये आपको याद करना है। ठीक है, आपको बताया जा चुका है कि जो यकृत यानी लीवर जो होता है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी मतलब ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। अच्छा, यकृत के बारे में एक चीज़ और होता है कि यकृत जो होता है सबसे तेज़ी से ख़राब होने वाला और सबसे तेज़ी से ठीक होने वाला अंग भी होता है। तो दारू पीने से लीवर ख़राब होता है, तो लीवर माने यकृत। अगला है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है, बताना है कि पाचन क्रिया किस अंग में पूर्ण होती है। तो आपको याद करना है, पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। छोटी आंत में ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सबका पाचन स्थल होता है, पूर्ण पाचन स्थल। कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में, प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल में, और वसा का पाचन गिल्स रोल या वसा अम्ल में हो जाता है। तो एमाइलेज होता है, एक एमिलेज होता है, एक लाइपेज होता है। तो लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज प्रोटीन का पाचन करता है। तो अब आपको कमेंट में बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है। ठीक है, तो मेरे को लगता है ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कने की गति कितनी होती है? 70 से 80 प्रति मिनट की स्पीड होती है, यानी सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन गति 70 से 80 बार पर मिनट होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो यानी प्रकाश संश्लेषण में सबसे मुख्य उत्पाद ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, साथ में आपको पता ही है कि भोजन ग्लूकोज बनता है, C6H12O6, इसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट।